अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन तंदूरी बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। आप ज़रूर इसे बनाकर देखना, बहुत ही मज़ेदार होती है। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए मैंने चिकन आधा किलो ली हूँ और उसको धोकर ले ली हूँ। इसमें अभी मैं डालूँगी पाव किलो दही। दही का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना है। दही का इस्तेमाल हमें इसलिए ज़्यादा करना है क्योंकि इसी मसाले से हम बिरयानी का मसाला बनाएंगे। अभी मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर और डालेंगे एक चम्मच मिर्ची पाउडर और डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और हम डालेंगे पाव चम्मच हल्दी पाउडर। नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से। अभी हम इसमें डालेंगे एक चुटकी तंदूरी फूड कलर। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। चिकन तंदूरी बिरयानी है, इसके लिए हमें कलर थोड़ा सा डालना है ताकि कलर बिरयानी का अच्छे से आ जाए। और हम इसमें डालेंगे दो चम्मच नींबू का रस। आपके पास नींबू नहीं है तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए चिकन में अच्छे से मसाला लग चुका है। अब हम इसको साइड पर रख कर बिरिस्ता बना लेंगे। बिरिस्ता बनाने के लिए मैंने डेक्चा रख दी हूँ गैस पे। अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल गर्म होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दो बारीक कटे हुए प्याज। और चम्मच से हमें प्याज को हिलाते ही रहना है ताकि चारों तरफ से प्याज हमारे अच्छे से लाल हो जाए। देखिए बिरयस्ता हमारा अच्छे से लाल हो चुका है चारों तरफ से। अभी हम प्याज को निकाल लेंगे। अभी देखिए मैंने फ्राई पैन गैस पे रख दी हूँ। इसमें डालूंगी थोड़ा सा तेल। तेल हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा ही डालना है। फ्राई पैन में अब हम चिकन को रख देंगे। देखिए फ्राई पैन में सारे चिकन रखकर हो चुके हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए 5 मिनट पकने के बाद दही का पानी छूट चुका है। अभी हम फास्ट गैस पे इसको और 5 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए 5 मिनट फास्ट गैस पे पकने के बाद अब हम चिकन को पलट देंगे। देखिए चिकन को मैंने पलट दी हूँ। अब हम इसका पानी सूखने तक के पकाएंगे। देखिए चिकन में पानी अच्छे से सूख चुका है। 80% हमारा चिकन पक गया है। अभी हम बीच में कोयला रख देंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी घी। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छा तंदूर का फ्लेवर आएगा। और अब हम इसको ढक्कन लगाकर धुआं जाने तक के रखेंगे और गैस को बंद कर देंगे। देखिए धुआं पूरा चले गया है। चिकन तंदूर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम बिरयानी की तैयारी करेंगे। देखिए डेक्चा मैंने गैस पे रख दी। ये वही तेल है जिसमें हम बिरिस्ता बनाए थे। अभी मैं इसमें डालूंगी दो बड़े दालचीनी के टुकड़े, दो तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची, दो लौंग और इसको 2 मिनट के लिए भुनेंगे। 2 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दो बारीक पिसे हुए टमाटर। टमाटर डालने से बिरयानी में भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और मसाला भी हमारा ज़्यादा बनेगा। अभी हम टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। देखिए टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अभी हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और डालेंगे आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर
आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, पाव चम्मच हल्दी। इन सारी चीज़ को हम दो तीन मिनट के लिए भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की बास चले जाए। देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे जो हमने चिकन में मसाला लगाए थे, उस मसाले को हम इसमें ऐड कर देंगे। इस मसाले को भी हम 5 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, तरी भी छूट चुकी है। अभी हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के हिसाब से। अभी हम बिरिस्ते को भी डाल देंगे और थोड़ा सा बिरिस्ता रखेंगे चावल के ऊपर रखने के लिए। चिकन को भी अब हम इसमें डाल देंगे और डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हूँ और ये सब पका हुआ है। अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी और चावल पकने के लिए हम तैयारी करेंगे। देखिए चावल के लिए मैंने पानी रख दी हूँ डेक्चे में। इसमें डालेंगे 3 लौंग, 2 छोटी इलायची, 10 से 15 काली मिरी और 2 चम्मच शाही जीरा और पानी को हम उबाल आने देंगे। देखिए पानी में उबाल आ चुका है, अभी हम इसमें चावल डालेंगे। देखिए मैंने 1/2 किलो बासमती चावल ली हूँ और इसको धोकर मैंने 15 मिनट के लिए भिगा कर रख दी थी। अभी हम इसको पानी में डाल देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के हिसाब से। मसाले में भी हमारे नमक था, सिर्फ चावल के हिसाब से हमें नमक को डालना है। चावल को अब हम 1 कली तक के पकाना है, 1 कली कच्चा होना चाहिए जब तक के हम चावल पकाएंगे। देखिए चावल अच्छे से पक गए, सिर्फ 1 कली ही बाकी है। अभी हम चावल को छन्नी में डालकर इसका पानी पूरा छान लेंगे। देखिए मैंने चावल को अच्छे से छान कर ले ली हूँ, अभी हम इसको मसाले में डाल देंगे। देखिए गैस पे मैंने चिकन रख दी हूँ, अभी हम इसमें चावल को डाल देंगे। देखिए सब चावल डालकर हो चुके हैं। अभी मैं इसमें 2-3 चम्मच घी डाल दूंगी और गैस हमारा बंद है, हमें गैस बाद में चालू करना है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। और डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर, थोड़ा सा बिरिस्ता। बिरिस्ता डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्ची। अभी हम इसके ऊपर ढक्कन ढक देंगे और इसमें से भाप नहीं जाना चाहिए करके हम इसमें लौंग लगा देंगे ताकि हमारी बिरयानी अच्छे से दम हो जाए। अभी हम इसको 10-15 मिनट के लिए दम के लिए रख देंगे। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसको चेक करेंगे। देखिए हमारे चावल अच्छे से दम हो गए हैं, अभी हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए माशाल्लाह हमारी चिकन तंदूरी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना चिकन तंदूरी बिरयानी कैसे बनी। अल्लाह हाफिज़।